Hey guys, I am Karishma Chauhan and welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए ढोकला बनाने की रेसिपी लाई हूँ. तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं एंड थैंक यू. तो सुपर स्पॉन्जी रवा ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है. बाउल के अंदर मैं यहाँ पे 2 कप सूजी ऐड करूँगी. आप जितना ढोकला बनाए उस हिसाब से सूजी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मेरी सूजी यहाँ पे बारीक है. अगर आपकी सूजी हल्की सी मोटी है तो आप उसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं एक बार. और अब मैं यहाँ पे 1 कप दही ऐड करूँगी इसमें. दही आपका अगर हल्का सा खट्टा है तो और भी अच्छा है. अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैंने यहाँ पे जितनी सूजी यूज किया है उस हिसाब से यहाँ पे आधा दही यूज किया है. हमें इसका बैटर इडली की तरह बनाना है. इडली का जैसा बैटर होता है वैसे हमें इसका बैटर बनाना है. यहाँ पे आप दही की जगह छाछ भी यूज कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं हमारी ये जो दोनों हैं चीजें वो आपस में प्रॉपर मिक्स हो गई है. पर हमें इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करना है. अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी. पानी हमें यहाँ पे एक साथ ऐड नहीं करना है. और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर. अभी भी हमारा ये हल्का सा थिक है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी इसे हल्का सा पतला बनाने के लिए. हमें इसका बैटर ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है. इडली का सेम बैटर हमें यहाँ पे चाहिए ढोकले के लिए. तो अब हमारा ये जो मिक्सर है वो तैयार हो गया है. और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं. ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें यहाँ पे इसकी. ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें यहाँ पे इसकी. ना ही ये ज्यादा ठीक है और ना ही पतला है. तो अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच मैं इसमें तेल ऐड कर रही हूँ. तेल ऐड करना बहुत जरूरी है. तेल ऐड करने से हमारे ये बहुत ज्यादा स्मूथ बनते हैं इसलिए मैं यहाँ पे इसे ऐड कर रही हूँ. तो जब भी आप बनाए तो आप जरूर तेल ऐड करें इसमें. और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ इसे खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए. आप अगर शुगर पसंद नहीं कर सकते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसको. पर इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ. और अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ. हल्दी पाउडर से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा. आप चाहें तो इसे व्हाइट भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे हल्दी पाउडर को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको व्हाइट ही पसंद है तो. मैं यहाँ पे इसे प्रॉपर ढोकला का कलर दे रही हूँ, इसे येलो बना रही हूँ. तो अब मैं इसे में 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ. नमक आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं. और अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ. तो अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया. तो अब हम इसे प्रॉपर 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे. बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है. उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करूंगी. अब हम इस पानी को गर्म होने देंगे. तो अब हमारे इस घोल को रखे हुए 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं. और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है पहले से. तो अब मैं यहाँ पे ये इनो डाल रही हूँ इसमें. आप ब्लू फ्लेवर वाला भी डाल सकते हैं. और अब मैं इसे भी इसके साथ मिक्स कर लूंगी. इनो यहाँ पे एक्टिव हो गया आप देख सकते हैं. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो अब हम हमारे जो ये बैटर है वो इस थाली में डालेंगे. तो अब हम इसके चारों तरफ पहले तेल अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने इसके चारों तरफ अच्छे से तेल अप्लाई कर दिया है. अब हम हमारा जो ये बैटर है वो इसके अंदर डालेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे इस बैटर को थाली में निकाल लिया है. तो अब हम इस थाली को पहले हल्के से टैप कर देंगे ताकि हमारे जो ये बबल्स है वो सही से सेट हो जाए क्योंकि हमने इसके अंदर इनो डाला है. तो अब हमने जो ये पानी गर्म होने को रखा था वो गर्म हो गया. ऐड करेंगे
अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगह कटोरी भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें अपनी ये थाली ऐड करेंगे, इसके अंदर अच्छे से रख देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे पकते हुए लो फ्लेम पे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसे थाली को उठा के एक बार देख लेते हैं कि हमारा बना है या नहीं। तो अब मैं यहाँ पे एक नाइफ लूंगी और उसे अंदर तक डाल कर देखूंगी, हमारा ये क्लीन बाहर आ रहा है। तो हमारा ये रवा ढोकला तैयार है और इसके अंदर गलती से हल्का सा रेड कलर गिर गया था, इसलिए इसका कलर रेड है। तो जब तक हमारा ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन चढ़ा दिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करूंगी। तो अब हमारा तेल गर्म हो गया, तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब, छोटे चम्मच के करीब राई ऐड करूंगी। और जब हमारी राई तड़कने लगेगी तो इसमें मैं 3 से 4 करी पत्ता डालूंगी। और अब मैं इसमें इस तरह लंबी कटी हुई हरी मिर्च ऐड करूंगी। तो अब मैं इसमें हल्का सा खट्टापन ऐड करने के लिए इसमें हल्का सा नींबू का रस ऐड करूंगी, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो अब हमारे ये ढोकले ठंडे भी हो गए हैं, तो मैंने ये निकाल लिया नीचे। तो अब हम इन्हें पीसेस में कट करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारे ढोकले दिखने में भी कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं, कट करने से ही पता चल रहा है कि हमारे ढोकले कितने सॉफ्ट हैं, एकदम रुई की तरह सॉफ्ट हैं ये ढोकले। मैंने यहाँ पे इन ढोकलों को कट कर लिया है, तो अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे ढोकलों को इस प्लेट में सर्व कर लिया है, तो अब हम इसके ऊपर तड़का ऐड करेंगे अपना, जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। और हम चम्मच से तड़के को फैला देंगे। हमारा ये जो गुजराती स्टाइल ढोकला है वो खाने के लिए तैयार है। स्पंजी और सॉफ्ट बना है, एकदम फूला फूला ढोकला है। आप बनाकर जरूर ट्राई करें, जितना ये दिखने में स्पंजी है उतना ही खाने में सॉफ्ट और अच्छा है।